हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज यानी 5 फरवरी 2022 को भारत में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। ये ऐसा त्यौहार है, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती केवल विद्या की ही देवी नहीं, वो संगीत की भी देवी मानी जाती हैं। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर यानी बोर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन, जो कि शुक्ल पक्ष में आता है, एक बड़ा जश्न मनाया जाता था जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी और यह त्यौहार वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। इस दिन पीले वस्त्र पहनने बहुत शुभ माने जाते हैं। पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती को पीले चावल का भोग लगाया जाता है। घरों में कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और उनसे माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्यालयों में भी इस त्यौहार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चे माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे विद्या और संगीत के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें विद्या प्रदान करें। बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।